हे कृष्ण, तुझसे प्रेम करने के लिए ना तो हाथ चाहिए ना टांग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुझसे प्रेम करने के लिए तो एक ये दिल और ये दो आंखें बहुत है। प्रेम करने के लिए महाराज दिल और दृष्टि, बस इन दो से प्रेम का व्यवहार हो जाता है। प्रेम करने के लिए हाथ नहीं चाहिए, टांगे नहीं चाहिए। हाथ टांगों से जो प्रेम होता वो प्रेम नहीं है, वो तो व्यवहार है। प्रेम तो दिल से और दृष्टि से होता है। गजेंद्र नाथ, गजेंद्र कहता है, प्रभु जब तक मेरे अंदर सामर्थ्य थी तब तक मैंने तुमको याद ही नहीं किया। मुझे तो आपकी महिमा का ही नहीं पता था, मैं तो अपनी ही महिमा को महत्व देता था। आज मुझे पता चला गोविंद, आपके बगैर कुछ नहीं है। हे कृष्ण, जिस संसार को मैं अपना इतना सहायक समझता था, जिसकी मैंने इतनी सेवा करी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, इस संसार को सुखी करने में मैंने कोई कसर नहीं रखी। दिन को दिन नहीं गिना, रात को रात नहीं गिनी महाराज, इस संसार के काम के लिए हमने है। लेकिन फिर भी ये संसार मेरे लिए क्या कर सका? ए गोविंद, आखिर मुझे संकट में फंसा देखकर सब छोड़कर चले गए। मुझे संकट में फंसा देखकर सब छोड़कर चले गए। हे गोविंद, अगर आज आप नहीं आते तो न जाने मेरी क्या हालत होती। मैं तो मरने ही वाला था। कन्हैया, मेरे प्राण बस कंठ में आए हुए थे, आपने मुझे बचा लिया। लेकिन हे गोविंद, अब आपका एहसान उतार सकूं, आपका ऋण उतार सकूं, ऐसी कुछ मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या करूं? तब उस गजेंद्र को उस सरोवर में एक कमल का पुष्प नजर आया। पुष्प जो होता है ना, कमल का फूल, वो सरोवर का हृदय कहा जाता है। सरोवर में जो कमल खिलता है वो सरोवर का हृदय कहा जाता है। वो गजेंद्र कमल पुष्प ठाकुर जी को दे रहा है, मानो वो भक्त अपना हृदय ठाकुर जी को दे रहा है। और बड़ी अपनी कमजोर सूंड, उस गजेंद्र की उस सूंड से उसने वो पुष्प ऊपर किया। ठाकुर ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर, ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से उस कमल के पुष्प को ले लिया और गजेंद्र को कहते, गजेंद्र कोई मुझे सोने की माला पहनावे, हीरों की माला पहनावे, वो मुझे प्रिय नहीं लगती, उसको मैं तुरंत तोड़ के फेंक देता हूं। लेकिन मेरा भक्त मुझे प्रेम से जो देता है उसको मैं अपना अखंड आभूषण बना लेता हूं। हे गजेंद्र, मैं तुझे आज तेरी इस भेंट को संभाल के रखूंगा। भैया, हम भी तो प्रेम से संसार को क्या क्या नहीं देते, लेकिन संसार में कोई व्यक्ति ठाकुर जैसा प्रेम को समझने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको, कोई मिलेगा नहीं आपको। आपने अपनी पत्नी को प्रेम से कई उपहार दिए होंगे, पूछो किस उपहार को उसने बहुत ठीक ढंग से रखा है। हमने संसार में कितने ही जनों को उपहार दिए, किसने किस उपहार को संभाल के रखा है? ठीक है, उस उपहार की जब तक कद्र लगी, जब तक संभाला, फिर पटक दिया तो पटक दिया, क्योंकि उन्होंने उपहार को देखा, उपहार में जो प्रेम है उसको नहीं देखा। पर संसारी वस्तु को देख सकता है, वस्तु में निहित प्रेम को नहीं देख सकता है। लेकिन हमारे ठाकुर वस्तु नहीं देखते, वस्तु में जो प्रेम भरा हुआ है उस प्रेम को देखते, और उसी प्रेम को देखने के कारण ठाकुर ने कहा है, गजेंद्र तू जो कमल पुष्प मुझे दे रहा है इसको मैं अपना पक्का आभूषण बनाऊंगा। आज से
कोई भी मेरी पूजा करे, मेरे हाथ में कमल का फूल होगा तो ही मैं नारायण के नाम से पहचाना जाऊंगा। मैं ये कमल का फूल आज से कभी नहीं छोड़ूंगा महाराज। आज भी हमारे ठाकुर भले हाथों में गहना कम होगा, गले में हार कम होंगे, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म वो कमल का फूल और कोई दूसरा नहीं, यही कमल का फूल, वो कमल का फूल है जो गजेंद्र हाथी ने ठाकुर को दिया और ठाकुर ने सदा सदा के लिए इसको अपने हाथ में रख लिया। गजेंद्र तेरी इस भेंट को कभी भी मैं अपने हाथ से अलग नहीं करूंगा, तेरी इस भेंट को कभी भी मैं अपने हाथ से अलग नहीं करूंगा। अब बताओ मुझे, आप लोगों से मैं प्रश्न करता हूं, गजेंद्र ने कितनी भक्ति करी भगवान की, कितना नाम लिया, क्या किया? बस ठाकुर को याद किया। इतने दयालु है भगवान, इतने कृपालु। लेकिन हम लोग क्यों भगवान की कृपा से दूर है भैया? मेरे नाथ विनंती करता हूं, गजेंद्र जैसी दशा एक दिन अपनी भी होनी, कौन बचाएगा, कौन पार करेगा? प्रभु इस संसार को तो आप परख लो, आप चाहो तो संसार की परीक्षा ले लो, आप आपको हकीकत पता चल जाएगी। संसार से निराश हो गए हो फिर भी क्यों फंसे हो इस संसार में? चलो भैया कृष्ण की ओर, गोपाल की ओर गति करो नारायण। कृष्ण ही अपना है और कोई अपना नहीं। ये जगत सब रात्रि के स्वप्न की तरह सब प्रेम भाव दिखाते लेकिन कोई कुछ है नहीं। ठाकुर जी जितने अपने हैं, प्रभु जितने अपने हैं, उतना दुनिया में और कोई दूसरा अपना नहीं है भाई, और कोई दूसरा। अगर संसार में कोई अपना होता तो मीराबाई क्यों अपना घर छोड़ती भाई, मीराबाई क्यों अपना घर छोड़ती? अगर संसार में कोई अपना होता, सुदामा क्यों अपना घर छोड़ के द्वारिकाधीश को मिलने जाता? अगर संसार में कोई अपना होता तो हम क्यों बार बार पंढरपुर जाते भाई? संसार में कोई अपना होता तो हम क्यों महाराज कथाओं में आते, कथा में क्यों आते हो आप लोग? क्या घर में आप लोगों को कोई आदर नहीं देता, प्रेम नहीं देता? डाक, हम सब संसार की हकीकत को जानते हैं। जितनी आत्मीयता हमको ठाकुर के दरबार में मिलती है उतनी आत्मीयता और कहीं नहीं मिलती। हाथ फैलाए खड़े ठाकुर, आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुच, तू मेरे पास आ जा बस, मैं तुझे अपना लूंगा। ठाकुर जी आपको बहुत याद करते भैया, आपको भगवान बहुत याद करते। हम कब जाएंगे प्रभु की तरफ? हमारी गति कृष्ण की ओर कब होगी? हम पंढरपुर कब जाएंगे? हम विठोबा से कब मिलेंगे? जिन कोमल चरणों ने सारे संसार को आश्रय दिया है, उन ठाकुर जी के कोमल चरणों को हम कब स्पर्श करेंगे? और अपना पांडुरंगा कितना उदार है आप लोग तो सब जानते हैं, किसी को अपने से दूर ही नहीं रखता है। भैया क्या पांडुरंग के वस्त्र कम कीमती होते हैं? है? क्या पांडुरंग का आभूषण कम कीमती होता है? लेकिन फिर भी वो पांडुरंगा चाहे कोई कैसा भी है अपने पास आने से नहीं रोकता है। और हम थोड़ा सा साफ सुथरा कपड़ा पहन ले, कोई हमारे पास आवे तो हम थोड़ा अपने को बचाने लगते हैं, कहीं हमारा कपड़ा ना बिगड़ जाए, कहीं हमारी चैन ना खींच ले। लेकिन हमारा पांडुरंगा देखो, ठाकुर जी के वस्त्र कितने कीमती है,
ठाकुर जी के आभूषण कितने कीमती है, लेकिन फिर भी ठाकुर हम लोगों को अपने पास आने से ये नहीं चिंता करता है, क्योंकि ठाकुर एक माँ की तरह है। एक बालक चाहे कितना ही कीचड़ में भर करके आवे, लेकिन उसकी जो माँ है वो उसको हमेशा अपनी गोदी में लेने को तैयार रहती है। वो बालक चाहे कितना ही कादा कीचड़ में, और माँ का वस्त्र चाहे कितना ही कीमती हो, वो उसको तुरंत अपनी गोदी में ले लेती है। बस ऐसे ही महाराज, हम पांडुरंगा को अपना माने या न माने, हम कन्हैया को अपना माने न माने, हम श्रीजी बाबा को अपना माने न माने, वो हमको अपना मानते हैं। आप जब भी जाओगे, वो चाहे कितना ही कीमती कपड़ा पहने रखे हो, चाहे कितना ही कीमती श्रृंगार करे रखे हो, आप जाओगे तो वो आपको गोदी में उठा लेंगे महाराज, वो आपको अपने कंधे पर बिठा लेंगे, आपका खूब लाड करेंगे। आप जाओ तो सही, आप जाओ तो। इसलिए आप जाओ तो सही महाराज, हरि की ओर चलो, अपनी गति कृष्ण की ओर करो। हम चले, चलिए चलिए महाराज। सुखदेव जी महाराज के मुखारविंद से गजेंद्र की ये गाथा सुनी राजा परीक्षित कहता, महाराज अब मुझे भरोसा हो गया है, अब मुझे ये भरोसा हो गया है कि जब गजेंद्र हाथी जैसे एक पशु जीव के ऊपर भी भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं, तो मेरे ऊपर भी करेंगे, हमें भी ठाकुर अपनाएंगे, अब भरोसा रखो। लेकिन एक ही शर्त, सतत स्मरण। ठाकुर के स्मरण में कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। नाथ गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, मेरे प्रभु दुर्वासा मुनि को क्रोध आया कि अरे अभी तो कुछ समय ही नहीं गुजरा है और इसने मेरी दी हुई प्रसादी माला का ये हाल किया। क्रोधित होकर के दुर्वासा मुनि ने कहा कि जिस लक्ष्मी के मद में तू प्रसाद का सम्मान नहीं कर सका, जा, वो लक्ष्मी अब तेरे पास में रहेगी। इंद्र लक्ष्मीहीन हो गया, असुरों ने आक्रमण किया, असुरों का राजा बलि वो स्वर्ग का राजा बन गया। अब क्या करें, भगवान से विनंती करी, तब प्रभु ने कहा कि समुद्र मंथन करो और समुद्र में से जब अमृत निकलेगा तब तुम्हारा ये कष्ट दूर होगा, उस अमृत को तुम ग्रहण करना। कैसे होगा समुद्र मंथन? तब कहा कि वासुकी नाग की रस्सी बनाओ, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ। तो वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई, असुरों ने अमृत के प्रलोभन में दोनों पक्ष आ गए, मंथन होने लगा। लेकिन क्या करे, वो पर्वत नीचे की तरफ जाने लगा, क्योंकि उस पर्वत के नीचे कोई आधार नहीं था। भगवान ने कश्यप रूप धारण करके उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। पुनः समुद्र मंथन जब हुआ तब सबसे पहले समुद्र में से हलाहल कालकूट जहर निकला। अब उस विष को देखते ही सब घबराए, इधर उधर देखने लगे, यह विष कौन पिए, और इस विष का एक ही समाधान, इस विष को वापिस समुद्र में भी नहीं डाला जा सकता, इस समुद्र को, इस विष को तो पी करके ही समाधान हो सकता, कौन पीवे। ब्रह्मा जी को कहा आप पियो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं क्यों पीऊं? बोले आप बूढ़े हो इसलिए। बूढ़ा आदमी इसलिए थोड़ी होता। बोले अब ऐसे ही कितना क्या है, अब यही विपत्ति मिटा के ही जाइए। ब्रह्मा जी तैयार नहीं हुए, इंद्र तैयार नहीं हुआ, कोई देव तैयार नहीं हुआ। जब कोई देव तैयार नहीं हुआ इसलिए सब महादेव के पास, और वहां जाकर महादेव को विनंती करी कि हे भोलेनाथ, आशुतोष, कृपा निदान, चंद्रशेखर, त्रिशूल, पाणी, आप कृपा करो, इस विष को, विष का समाधान आप ही करो। तब महाराज हमारे शंकर भगवान कहते कि मैंने तो इस विष को समुद्र में डाल दिया था, तुमने इसको बाहर क्यों निकाला? बोले महाराज हम तो अमृत निकालना चाहते थे और निकल गया ये विष। तो बोले अब, बोले अब अमृत तो अब निकलेगा। बोले अमृत निकलेगा उसका क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा सब ले लेंगे। तो बोले ये भी थोड़ा थोड़ा। महाराज वो थोड़ा थोड़ा चल सकता है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं चल सकता।
इसको तो आप ही ग्रहण करिए। आहा, शिव ने स्वीकार कर लिया विष। महाराज शरबत की कोई मनुवार करे तो हम ले लेवे, कोई और किसी वस्तु की मनुवार करे तो हम ले लेवे, लेकिन विष, विष को कैसे स्वीकार करे। लेकिन भगवान शिव कैसे दयालु हैं कि भगवान शिव ने उस विष को स्वीकार कर लिया। और विष को क्यों स्वीकार कर लिया, विष को कौन स्वीकार कर सकता है? ध्यान रखिए, जिसके हृदय में राम है ना, वही विष को स्वीकार कर सकता है। क्यों? जिसके हृदय में राम है वही विष को स्वीकार कर सकता है। क्यों महाराज? जिसके हृदय में राम नहीं है वो अगर विष ले लेगा तो विष लेने के बाद में उसके जीवन में क्लेश हो जाएगा, लेकिन जिसके हृदय में राम होता है वो विष पी के भी विश्राम पा लेता है। महाराज वो विष पी के भी विश्राम पा लेता है। शिव के हृदय में राम है इसलिए शिव ने विष पिया लेकिन फिर भी उनको विश्राम मिला है। अद्भुत है ये हमारे भोलेनाथ प्रभु। हे अगड़ बम्ब बम, याद करें भोलेनाथ को। हे अगड़ बम्ब बम, वागे डमरू बम, वागे डमरू हो आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, हो आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। हे अगड़ बम्ब बम, वागे डमरू बम, वागे डमरू हो आज नाचे सदा शिव। माता पार्वती जी कैसो लग्यो रंग, हो देखो माता पार्वती जी कैसो लग्यो। अगड़ बम्ब बम, वागे डमरू बम, वागे डमरू हो आज नाचे सदा शिव। पार्वतीरा प्राणनाथ भोला भगवान, हो पार्वतीरा प्राणनाथ भोला भगवान। हे पार्वतीरा प्राणनाथ भोला भगवान, हो पार्वतीरा प्राणनाथ भोला भगवान। हे अगड़ बम्ब बम, वागे डमरू बम, वागे डमरू हो आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू, आज नाचे सदा शिव बांध घुंघरू। सेवक ने कोई राखे दूत, कोई राखे सेवक ने कोई राखे दूत, ओ कोई राखे सेवक ने कोई राखे दूत, कोई राखे सेवक ने कोई राखे दूत।
हे पार्वती रा प्राण नाथ राखे छे भूत हो पार्वती रा प्राण नाथ राखे छे भूत हे अगड़ बम्ब बम वागे डमरू बम वागे डमरू ओ आज नाचे सदा शिव बांध गुंगरू 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 अरे भोले धतुरा रो साग भंग केरी रोटली ने धतुरा रो साग भंग केरी रोटली ने धतुरा रो साग भंग केरी रोटली ने धतुरा रो साग अरे पीर से माता पार्वती ने जी में भोला नाथ ओ पीर से माता पार्वती ने जी में भोला नाथ है अगड़ बम्ब बम वागे डमरू बम वागे डमरू ओ आज नाचे सदा शिव बांध गुंगरू हो आज नाचे सदा शिव बांध गुंगरू हे अगड़ बम्ब बम वागे डमरू बम वागे डमरू हो आज नाचे सदा शिव बांध गुंगरू हो आज नाचे सदा शिव बांध गुंगरू अगड़ बम्ब बम वागे डमरू बम वागे डमरू आज नाचे सदा शिव बांध गुंगरू हो आज नाचे सदा शिव बांध विष पी के भी नाच रहे हैं, जहर पी के कोई नाचता है? भूल जाता है सब। विष पी के आदमी क्या नाचता, उसके माथे मौत नाचती है। लेकिन हमारे शिव जी कैसे हैं, जहर पी के भी नाच रहे, विष पी के भी नाच रहे। क्यों? हृदय में राम है इसलिए नाच रहे। प्रभु यदि घट में राम होंगे तो विश्व भी आराम देगा, और घट में राम नहीं है तो फिर गर्मी में भी हैरान है नहीं तो जहर भी कोई चीज नहीं प्रभु। तो नारायण भगवान शिव ने ये देवताओं का सबका कष्ट दूर किया और फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अब समुद्र में से कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, उच्चेश्रवा घोड़ा, चंद्रमा, कौस्तुभ मणि, ऐसे ऐसे रत्न निकले, और बाद में भगवती लक्ष्मी भी निकली समुद्र में से। ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को विशेष रूप से कहा कि जब समुद्र का मंथन हो तब तुम निकलना, और उस समय अपन विवाह का एक नाटक करेंगे। नाटक क्यों? ऐसा कहते हैं संत लोग कि कोई भी देवता भगवान नारायण का दर्शन करने जाता तो लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए मिलती, तो सब देवता कहते कि प्रभु ये स्त्री कौन है, ये स्त्री कौन है? तो ठाकुर जी कहते ये स्त्री कौन, किस स्त्री को अधिकार है चरण दबाने का? ये वही स्त्री है। बोले महाराज तो ये आपकी पत्नी है? बोले हाँ। तो बोले महाराज आपने कब शादी करी, हमको बताया ही नहीं कुछ नहीं? तो बोले अब शादी पे नहीं बुलाया तब से कम शादी की सालगिरह पे तो बुलाओ। लेकिन ठाकुर जी के भाई हम तो अनादि काल से पति पत्नी हैं, तो अब हमारी शादी की वर्षगांठ का दिन कौन सा? इसलिए मात्र देवताओं की प्रसन्नता के लिए ठाकुर ने कहा कि जिस समय तुम समुद्र में से निकल के मुझे वरमाला पहनाओगी वो दिन अपने विवाह की वर्षगांठ का दिन हो जाएगा, तो थोड़ा आराम हो जाएगा। इसलिए महाराज लक्ष्मी जी निकली हाथ में वरमाला लेके। लेकिन सब लोग आ गए, अब लक्ष्मी को कौन छोड़ता है? सभी आ गए, बूढ़े क्या, जवान क्या, सब देवता, ऋषि मुनि सब आ गए।
लक्ष्मी जी वरमाला लिए घूम रही, किसको माला पहना? सबसे आगे ब्रह्मा जी सफेद दाढ़ी वाले, दाढ़ी में हाथ घुमा रहे, ब्याह का मन है। लक्ष्मी जी बोली, भाई तुम बूढ़े और मैं चंचल, बूढ़े आदमी का और चंचल स्त्री का मेल नहीं बैठता हमारा। ऐसा एक पुस्तक में हमने पढ़ा है कि बूढ़े आदमी की अगर चंचल स्त्री हो तो वो उसके लिए जहर के बराबर है, हालत खराब कर देती, ऐसा पढ़ाया हमने। तो महाराज वो लक्ष्मी जी कहती कि भाई मैं तो चंचल हूं, आप वृद्ध हैं, आपका और मेरा मेल नहीं बैठेगा। आगे गई तो देखे नारद जी भी खड़े, अरे आपको भी? बोले हाँ, इसमें क्या, लक्ष्मी को कौन छोड़े। पर लक्ष्मी जी कहती हैं, नारद जी घूमते बहुत हैं, कहीं रुकते नहीं, अब इनके साथ शादी करूं तो मुझे भी इनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, ये तो आदि हैं, लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो हर जगह नहीं जाती हूं, मैं तो सोच समझ के किसी के यहाँ जाती हूं। अगस्त मुनि को देखा तो अगस्त मुनि खाते बहुत हैं, इसलिए अगस्त मुनि भी नहीं पसंद। कोई देव पसंद नहीं आया महाराज, एक कोने में भगवान नारायण खड़े थे, वो लाइन में नहीं खड़े थे। करुणा निधान लक्ष्मी को पाने के लिए जो ललायत हुए बैठे रहते, लक्ष्मी कभी उनका वर्णन नहीं करती है। लक्ष्मी के लिए जो ललायत बनते हैं उनको लक्ष्मी नहीं मिलती। जो मात्र अपने कर्म की तरफ ध्यान देते हैं, जो अपने चरित्र की तरफ ध्यान देते हैं, तो लक्ष्मी स्वयं आकर के उनको माला का प्रसाद देती है। महाराज आप लक्ष्मी के पीछे पड़ोगे तो लक्ष्मी कभी हाथ में नहीं आएगी। आप अपने कर्म का ध्यान रखो, आप अपने चरित्र का ध्यान रखो, लक्ष्मी अपने आप तुम्हारा वरण करेगी। भगवान नारायण उन लक्ष्मी के भूखों की लाइन में नहीं खड़े हुए मारे, भगवान नारायण एक तरफ खड़े हो गए। लक्ष्मी ने देखा कि ये सब तो मेरे लिए ललायत है, ये सब मुझे तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपना कर्म ठीक ढंग से नहीं करना चाहते, इनके चरित्र का भी कुछ पता नहीं है, मेरे लिए उपयुक्त है तो ये भगवान नारायण। और लक्ष्मी जी ने जाकर के वो वरमाला भगवान नारायण के गले में पहना दी। आहा, अब पुनः समुद्र का मंथन प्रारंभ किया। तब महाराज भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। अब उस अमृत के कलश को देखते ही तो असुर लोग उसको छीन करके ले गए। अब क्या करें? तब ठाकुर जी को प्रार्थना करी देवताओं ने, महाराज हमारी रक्षा करो, हमारा अमृत चला गया, मेहनत तो हमने भी करी पर वो तो अमृत का कलश तो असुर ले गए। तब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। आज कौन सी एकादशी पता है आपको? अरे वाह, आप लोगों को तो सब ज्ञान है भाई। अरे कितने ज्ञानी लोग रहते संगम नेर में, अपनी तारीफ पे खुद ही ताली बजा रहे। प्रभु आज मोहिनी एकादशी है, कितना अच्छा संयोग है, आज कथा में भी मोहिनी अवतार और एकादशी भी मोहिनी, और कथा में जो कृष्ण अवतार है वो भी मोहित करने वाले कन्हैया, बहुत अच्छा। मोहिनी किसको कहते हैं? जो व्यक्ति को मोहित कर ले। तीन शब्द हैं मोहिनी में, मोहिनी। मोहिनी कौन, मोहिनी का मतलब क्या? जो इतनी सुंदर स्त्री जिसको देख के व्यक्ति सुधबुद्ध भूल जाए उसको मोहिनी कहते हैं। मोहिनी किसको? अपने को देखो, ध्यान रखना, दुनिया में तो मोहिनी उसी को कहते हैं, दुनिया की भाषा में, संसारी पुरुष की भाषा में तो मोहिनी वही है जिसको देख के व्यक्ति भूल जाए, उसके रूप पर मुग्ध हो जावे, उसको कहते हैं। लेकिन अपने को तो भक्ति के हिसाब से सोचना है कि ये भगवान ने जो मोहिनी रूप बनाया है तो ये भगवान कैसे मोहिनी है। आहा, भगवान कैसे मोहिनी है? नाथ, मोहिनी का मतलब होता है संसार में किसी सुंदर स्त्री को देख ले तो आपका मोह बढ़ जाता है, संसार में कोई सुंदर रूप देख ले तो आपका मोह बढ़ जाता है, लेकिन ठाकुर को अगर कोई देख लेवे तो उसके मोह का निवारण हो जाता है। मोहिनी कौन? जो मोह को विस्तारित करे नहीं, मोहिनी यानी मोह का निवारण करने वाली मोहिनी। मोहिनी का मतलब है जिसको देखने से मोह का पापा कट जाए, सत्यानाश हो जावे मोह का, महाराज जिसको देखने से मोह का निवारण हो जाए, मोह रहे ही नहीं, नाथ वो मोहिनी रूप ठाकुर ने बनाया। और वास्तव में ऐसा ही है,
प्रभु भगवान ने वो मोहिनी रूप बना के असुरों के पास गए। जो असुर लोग झगड़ रहे थे, वो कहे अमृत मैं पीऊं, वो कहे अमृत मैं पीऊं, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी मोहिनी रूप से वहां पर पधारे, वो झगड़ा तो भूल गए और ऐसे मुंह लटका करके बैठ गए। आ कितनी सुंदर है ये, किसी कारण ये कोई उपाय से हमारे पास ही रह जाए तो कितना अच्छा। उसके मोहिनी भगवान के आगे आके हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या, तुम हमारे पास ही रह जाओ। तो ठाकुर जी ने भी ऐसे सुंदर, मेरा नाम है मोहिनी। आह अरे तूने तो मोहित कर लिया हमको, हे देवी क्या तुम हमारे पास नहीं रह सकती। तो ठाकुर जी ने कहा मैं रह तो सकती हूं पर एक ही शर्त है। क्या? बोले जहां मेरा कहा किया जाता वहीं मैं रहती हूं। ध्यान रखना, भगवान को घर में तो रखना चाहते हो लेकिन भगवान साफ साफ कह रहे कि जहां जिस घर के लोग मेरा कहा करते हैं उसी घर में मैं रहता हूं।